मुरादाबाद की नवागत डीजीपी मुनिराज जी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का दौरा किया। बिजनौर उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मोटा महादेव मंदिर पर संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने की बात कही। पुलिस उप महानिरीक्षक ने जिला बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के नवनिर्मित आदर्श भोजनालय का लोकार्पण किया और थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामर्ज, क्षेत्राधिकारी नगीना संग्राम सिंह और जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। आज मुरादाबाद रेंज में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा पहले सीट का था। आज हमने पूरा SHO CO और SSP सभी से मीटिंग करा है। मीटिंग में मैंने सावन का तैयारी का रिव्यू किया है और साथ साथ बाकी त्यौहार और कैक के बारे में रिव्यू किया। हम पूरा तैयारी बहुत अच्छी है और हमने पूरा अच्छी तैयारी करके रखा है। उम्मीद है कि हमें सावन अच्छे तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ मैंने सभी जो मेन रूट का जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसके भी मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे तैयारी के बारे में मैंने रिव्यू किया हूँ और इतवार बॉर्डर में जो हमारा कांवड़ एंट्री हो रही है वहाँ पे जाके चौकी चेक किया है, वहाँ पे भी चेक है। बाकी निर्देश दिया हर जगह CCTV कैमरा के मध्य से निगरानी रखने के लिए, साथ साथ डाइवर्सन प्लान का अच्छी तरीके पालन कराने के लिए और यहाँ पे सबसे मेन प्रमुख मंदिर पर भी मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पर भी जो व्यवस्था जो मंदिर का